हे गाइस, वेलकम टू अनदर फूड ब्लॉग। तो आज हम आए हैं आगरा की एक और नेक्स्ट स्टेशन पे जो बहुत ही फेमस है। यहाँ हम आए हैं गोपाल बैठे वाले के यहाँ पर। सर तो इनकी शॉप देख लीजिए आप, इनकी कई सारी ब्रांचेज हैं आगरा में। तो हम यहाँ आए हैं अपना फतेहपुर रोड वाले के ऊपर है। बाकी हम आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लोकेशन भी दे देंगे। बाकी अब हम अंदर चलते हैं, इनका पेठा टेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पेठा नहीं मिलता, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की फास्ट फूड भी मिल जाते हैं। अलग चाट से लेके आपको छोले भटूरे, आलू टिक्की, भल्ला पापड़ी, सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसका भी मैं आपको शो दिखाऊंगा किस तरीके से ये प्रिपेयर करते हैं। सारा कुछ जो भी आइटम्स हैं इनके पास, सारी की सारी देसी घी में बनाई जाती हैं। तो चलो हम अंदर चलते हैं एक बारी और चेक करते हैं किस तरीके का इनका इंग्रेडिएंट डालते हैं, किस तरीके की प्रिपरेशन है। तो चलो अंदर चलते हैं। ये आलू है, ये चने हैं, ये चना मोटे, अब मसाला गिरेगा। चटनी हुई, ये लाल वाली चटनी है, बाकी जगह पर मतलब बनाने के बाद तोड़ते हैं, पहले सब कट करके उसके बाद अंदर से क्रिस्पी हो जाता है, बाकी जो अंदर है फ्रॉगी टाइप की दिखती हो जाती है। सर मेरे पास ये पान पेठा है, इसमें गुलकंद रहता है। अच्छा। बहुत अच्छा पेठा, टेस्टी है, इसमें गुलकंद रहता है बीच। ये चेरी पेठा है सर, इसमें स्ट्रॉबेरी और चेरी का फ्लेवर रहता है, इसकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है। और ये सर कोकोनट पेठा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा, इसमें दो फ्लेवर होती है, एक पाइनएप्पल का, एक खस्ता है सर। पेठे ये पेठे का ही वो लच्छा होता है, उसमें दो फ्लेवर मिक्स करती है सर अलग अलग।
एक सर ये वाला पेंट है, ये चॉकलेट वाला पेंट है, इसमें ऊपर चॉकलेट की लेयर लगा दी, नीचे पेंट है और अच्छा, जी सर ये चॉकलेट का लेयर है। ये सर गुलाब लड्डू पेंट है, ये पेंटे का ही लच्छा है, इसमें गुलकंद रहता है बीच में, इसमें गुलकंद रहता है सर। ये सर पान सुपारी पेंट है, इसमें सुपारी का फ्लेवर रहता है सर। हाँ जैसे कि वो पान वाला आपने पहली बार देखा, ये पान सुपारी है सर, इसमें सुपारी का फ्लेवर, उसमें गुलकंद रहता है। ये कि सैंडविच पेंट है, इसमें काजू बर्फी का लेयर रहता है बीच में, काजू बर्फी डालते हैं, बहुत अच्छा है, टेस्टी पेंट है, बहुत मीठा है सर हमारे पास। एक ये सर पेंट है गंडेली पेंट है, ये आप देखेंगे इसमें कोकोनट इलायची ड्राई फ्रूट रहता है सर, बहुत टेस्टी पेंट है सर हमारे यहाँ। नहीं सर ऊपर भी मतलब ड्राई फ्रूट है, पूरे ड्राई फ्रूट का ही इलायची रहती है इसमें बारीकी से। और एक सर ये बादाम संतरा पेंट है, इसमें ऑरेंज फ्लेवर रहता है और बीच में बादाम निकलता है ऑरेंज का फ्लेवर। एक सर ये खस अंगूरी पेंट है, इसमें खस का फ्लेवर, ये लिक्विड रहता है, पूरा रस का ही रहता है सर, मगर लिक्विड है, खस का फ्लेवर। एक आप ये देखेंगे सर, ये केसर अंगूरी पेंट है, इसमें सर सैफ्रॉन का और इलायची का फ्लेवर रहता है, सैफ्रॉन और कड़कों का फ्लेवर रहता है सर इसमें। ये वाला सर सादा अंगूरी पेंट है हमारे पास, इसमें केवड़ा रहता है, ये भी लिक्विड पेंट है हमारे पास जी सर, केवड़ा ये भी लिक्विड पेंट है सर हमारे पास। और सर एक ये वाला पेंट है बनाया, ये केसर पेंट है, कौन सा पान वाला, इसमें ओनली वो सर कौन सुपर, ये ड्राई पेंट है सर, इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, ये वाला 10-15 वर्ष चल जाता है यार। एक सर ये वाला पेंट है बनाया है, ये लाल पेंट है, ये सर देसी खार का होता है, सब पेंटे सुपर के होती है सर, ये वाला देसी खार का है, सबसे अलग वेराइटी सर हमारे पास देसी खान का है सर, बहुत अच्छे है सर, शुगर के है मैं बता रहा हूँ, ये वाला देसी खान का है, टेस्टी पेंट, आप टेस्ट करके देखेंगे जरा, मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। ये सफेद पेंट है सर, ये एकदम सिंपल पेंट है हमारे यहाँ जी सर, आपको मैं ये पेंट टेस्ट कराऊंगा, टेस्ट करके देखिए सर, ये कल की सर ऐसा होता है, जो ये ड्राई पेंट देख रहे हैं आप, सफेद वाला, लाल वाला और केसर वाला, ये तीन ड्राई पेंट है सर हमारे पास, इनकी लाइफ 10-15 दिन रहती है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, फ्रिज में रख दो एक दो दिन और चल जाएगा, मगर 15 दिन तो इनकी लाइफ रहती है सर। ये वाले सर फ्लेवर वाले पेंट है, इनकी लाइफ कम रहती है, इनकी 3-4 दिन लाइफ रहती है, 3-4 दिन में। तो भाई अब हमने काफ़ी कुछ आपको मैंने शॉप दिखा दी है, शॉप के अंदर काफ़ी वैरायटी है, मतलब बेकरी के सामान से लेके आपको पेठे मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के स्वीट्स मिल जाएंगी, और साथ में आपको चाट पकौड़ी, आपको छोले भटूरे खाने हैं, सब कुछ अवेलेबल है, मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। और हम टेस्ट करते हैं अलग अलग तरीके के, जो इन्होंने पेठे हमारे को भी दिखाए हैं, तो कैसे कैसे टेस्ट हैं सब मैं आपको दिखाता हूँ। चलो भाई गाइस, अब हमारा पेठे के अलग अलग टेस्टिंग करने के लिए आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम अलग अलग बताता हूँ आपको कौन कौन सा फ्लेवर टेस्ट करो। एक तो सादा टेस्ट है, तो सादा वाला उसको टेस्ट करते हैं, नेक्स्ट पीस है हमारे पास, इन्होंने बताया था कि कोकोनट वाला है, इसके अंदर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी डले हैं, ये टेस्ट करके देखते हैं। हमें अच्छा फ्लेवर आ रहा है कोकोनट का, अंदर तक भी डले। नेक्स्ट फ्लेवर है हमारा दिस कोकोनट फ्लेवर पेठा, जिसके अंदर इन्होंने कपड़ा डालते हैं खस का, आपको केवड़ा वाटर डाल रखा है, ट्राई करते हैं, इसके अंदर गुलकंद भी डाला हुआ है, बहुत सारी इसमें फ्लेवर्स, अभी इसे ओपन करके देखोगे तो इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं। देखो नेक्स्ट पीस है हमारा पान फ्लेवर्ड पेठा, इसके मेल तो आप देखो कोटिंग कितना पतला इसका हुआ है, पेठे का आउटर कवर। नेक्स्ट चेस करते हैं, मतलब जो हक है माउथ की फ्रेशनेस भी आ गई और साथ में ही मीठा मीठा हो गया। नेक्स्ट फ्लेवर है हमारा
उन्होंने स्पेशली बताया कि ये तो बना है, इसे खा के देखते हैं। काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर है यार, मज़ा आ गया, मतलब ऐसा फ्लेवर मैंने कोई नहीं खाया बेटा। आप भी कमेंट करके मुझे बता दें कि आप कौन कौन से फ्लेवर पसंद करते हो, और जो भी बंदा आसपास देख रहे हैं उसको तो पता ही यहाँ पर कितने सारे तरीके के फ्लेवर मिलते हैं। मेरे को तो सबसे ज़्यादा पसंद जो आया है वो है पान वाला पेठा। तो पान का पेठा एक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो उसके अंदर आपके डाइजेशन में अपना बहुत फ्रेश हो जाता है, और साथ ही साथ आपका स्वीट का स्वीट हो गया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि ये जो शॉप है अराउंड 100 ईयर्स ओल्ड है और इसके अंदर आपको इतना कुछ वैरायटी मिल जाती है, तो बाकी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और इस शॉप को विजिट करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर पेठे के अलावा आपको बाकी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, चाट पकौड़ी से लेके आपको बेकरी का सामान जैसे मिल जाएगा। तो आप यहाँ विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, इनके बारे में बता दूँगा। काफ़ी पुरानी शॉप है, भोपाल जा सकते हैं आप, ज़्यादा बात करिए। बाकी मैं इसे काम करता हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।